हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम है ग्रीनविच पार्क में एंड वी आर गोइंग वेयर टाइम बिगिंस। नहीं घबराएगा मत, हम टाइम ट्रैवल नहीं करने वाले। हम जा रहे हैं ग्रीनविच मेन टाइम लाइन के पास, जिसे प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोला जाता है। ग्रीनविच मेन टाइम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम जोन है। तो अगर इंडिया GMT प्लस 4.5 घंटे है या फिर 4.5 टाइम जोन आगे है, इसका सही सही मतलब है लंदन में जब दोपहर के 12 बजे रहते हैं तब इंडिया में शाम के 4.5 बजे रहते हैं। जब तक हम वहाँ पे पहुँचे ऑब्जर्वेटरी तो बंद हो चुकी थी, लेकिन आपको दिखा दूँ ये जो ज़मीन पे डिवाइडिंग लाइन दिख रही है ये है प्राइम मेरिडियन लाइन। ये लाइन डिवाइड करती है ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर को पॉइंट ऑफ जीरो लॉन्गिट्यूड। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरा लेफ्ट फुट है ईस्ट हेमिस्फीयर में और राइट फुट है वेस्ट हेमिस्फीयर में। जहाँ हम खड़े हैं टाइम की गिनती वहाँ से स्टार्ट होती है। सन 1850 के पहले टाइम डिफरेंस का किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि जर्नी बहुत स्लो होती थी, लोग अक्सर पैदल ट्रैवल करते थे या घोड़ों पे ट्रैवल करते थे। लेकिन 1850 या 60 के दशक में ट्रेन का आविष्कार हुआ और ट्रेन से जर्नी सुपर फास्ट होने लगी, जिससे हुआ ये कि लोगों को टाइम और घड़ी मैच करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तो 1884 में दुनिया के तमाम देशों ने एक आके इस दुनिया को 24 समान भागों में बांट दिया और टाइम की शुरुआत हुई GMT यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम से, लंदन के ग्रीनविच से। टाइम हो गया है घर वापसी का और सराउंडिंग एरिया देखते देखते हम अपने घर के लिए निकले। यह है कटिसार्क। दिखावे पे मत जाइए, 150 साल पुरानी शिप है जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। 1869 में बनी हुई यह शिप अपने जमाने की सबसे फास्टेस्ट शिप थी। हमारा घर है नदी के उस पार, तो इस टनल से हम नदी क्रॉस करेंगे। इस टनल को 1899 में ब्रिटिशों ने बनाया। पानी के नीचे से यह टनल जाती है। मन में एक बार, मैं तो बोलूँ पूरे जर्नी में मैं यही सोच रहा था कि इसे बनाया कैसे होगा। हम उस जगह से निकले और नदी के नीचे से इस जगह से बाहर निकले। दैट्स ऑल फोक्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.